कोरोना संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे श्रमिकों को आर्थिक संबल देने के लिए कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए मनरेगा कार्य शुरू किए गए। प्रथम चरण में अधिक आवश्यकता वाले श्रमिकों को मनरेगा कार्य में लगाया गया है। जल्द ही श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। भिनाई सरपंच अर्चना सुराणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। श्रमिकों को मनरेगा कार्य के दौरान कोई भी समस्या न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैडम, ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य शुरू हो चुके हैं। ग्राम पंचायत भिनाई में मनरेगा कार्य किस प्रकार से शुरू हुए हैं और कितने श्रमिक यहाँ कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मनरेगा का लॉकडाउन के बाद में जो शुरुआत हुई है, उसमें हमने लगभग 109 श्रमिक लिए हैं स्टार्टिंग में, और उन श्रमिकों में हमने ST और BPL वाले लोगों को ही स्पेशली लिया है। गांव की जनता गरीब जनता है, तो उन गरीब जनता को हमने रोज़गार दिया है 109 लोगों को। अब हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और जो 16 तारीख से पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, पहले हमने 4 साइट पे 109 लोगों को लिया था और अब हम 10 साइट पे नरेगा शुरू करवाएंगे। मनरेगा तो उसमें लगभग 900 से 1000 लोग होंगे। इसमें हमने बतौर तैयारी ये किया है नरेगा के लिए कि हमने जो हमारे वार्ड पंच हैं, 19 वार्डों के वार्ड पंच हैं, उनको बुलवा करके मैंने उनको फार्म नंबर 6 दे दिया, ताकि उनमें वो लोग ही अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस तरह से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए वहाँ पर कार्य शुरू करवाया जाएगा। और ये 10 साइट पे लगभग 1000 के आसपास श्रमिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे।